राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तापित किया। ये वीरों की भूमि है और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है, मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है, मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है।